आज बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे हम बिना चीनी के हेल्दी तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली मेवा पाक रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने एक सूखा नारियल लिया है और इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें बादाम डालेंगे। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे लो फ्लेम में भून लेंगे। बादाम अब फूलने लगे हैं, इसे अब बस इतना ही भूनेंगे। अब इसमें 15-20 काजू डालेंगे, काजू को भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए बादाम भूनने के बाद ही काजू को डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 मिनट में ये भुन जाते हैं। अब इनका कलर चेंज हो गया है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच गोंद डालेंगे। गोंद डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। देखिए गोंद अब अच्छे से फूल गए हैं और साइज में भी ये डबल हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी लेंगे और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें 2 कटोरी मखाने डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे लो फ्लेम में भून लेंगे। मखाने को अब हाथ से तोड़ के देखेंगे, अगर ये हाथ से टूट रहा है इसका मतलब अच्छे से भुन गया है। अब मखाने को हम निकाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी लेंगे। घी के गर्म होने पे इस पे 2 चम्मच खसखस या पोस्ता दाना डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें 3-4 चम्मच मेलन सीड डालेंगे और 3-4 चम्मच किशमिश डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम में भून लेना है। ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। इन्हें हमने लो फ्लेम में 1 मिनट तक भून लिया है और मेलन सीड भी फूलने लगे हैं। अब इसमें सूखा ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम में 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे या अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे। नारियल वाला मिक्सचर भी अच्छे से भून गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट अब अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब ग्राइंडर जार में इन्हें दरदरा पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। नारियल मिक्सचर को हम पीसेंगे नहीं, इसमें दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर भी मिला देंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 कटोरी लेंगे, इससे ड्राई फ्रूट मिक्सचर को मेजर कर लेंगे। इसमें हमने लगभग 4 कटोरी ड्राई फ्रूट मिक्सचर लिया है। जिस कटोरी से हमने ड्राई फ्रूट मिक्सचर लिया था उसी कटोरी से अब हम इसमें गुड़ लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 2 कटोरी गुड़ डालेंगे और इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। गुड़ को मीडियम फ्लेम में अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गुड़ में अब झाग आ गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डालेंगे। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट मिक्सचर गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये कढ़ाई से चिपकना ना छोड़ दे। पाग अब अच्छे से इकट्ठा हो गया है और इसने कढ़ाई से चिपकना भी छोड़ दिया है, इसी समय हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। अब एक बर्तन लेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और झटपट से पाग को इसमें डाल लेंगे और इसे फैलाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। हल्का सा ठंडा होने पे इसे अपने पसंद के शेप में कट कर लेंगे। अच्छे से ठंडे हो जाने पर ही इसके पीस को इससे अलग करेंगे। लीजिए तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली मेवा पाक। एक बार आप भी इस तरह से जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर बनाइए। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।